बिहार के कैमूर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां चैनपुर थाना क्षेत्र के बडीहा गांव के रहने वाले शशिकांत पासवान ने रेलवे की नौकरी छोड़ दरोगा बनकर अपने पिता के सपनों को साकार कर दिया है। शशिकांत पासवान वैसे तो रेलवे में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अपने पिता के सपनों के लिए दरोगा बन गए। पिता दरोगा नहीं बन पाए थे तो बेटे को दरोगा बनाने का सोचा था। शशिकांत ने पिता के सपने को साकार करने के लिए रेलवे की नौकरी छोड़कर दरोगा की नौकरी के लिए तैयारी की। पहली बार में वो रिटेन नहीं निकाल पाए थे, दूसरी बार में फिजिकल रह गए। इसके बाद मोहनिया के महाराणा प्रताप कॉलेज के ग्राउंड में फिजिकल की तैयारी करने लगे। आप दरोगा में चयनित हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? चयन के बाद तो अच्छा ही महसूस होता है, क्योंकि तीसरा अटेम्प्ट है मेरा। पहले अटेम्प्ट में मैं मेरिट में छट गया था, तीसरा में फिजिकल 6 सेकंड पे छट गया था। और मैं पहले से ही कार्यरत हूँ अपने साउथ ईस्टर्न रेलवे में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मेरा है। और मेरा नाम शशिकांत पासवान है, और इस पर सफलता मिली। बट इसमें इस सफलता में सर का योगदान जो है, क्योंकि हम लोग इनको जान रहे हैं 5 साल से करीब, क्योंकि 2446 जो पोस्ट आया था उसमें हम लोग फिजिकल में, मतलब कि मेरिट में छटे थे, जो कि फिजिकल यहीं से किए थे। 2213 में थोड़ा सा पैर इंजर्ड हो गया था, जिस कारण से 6 सेकंड से छट गए थे। 2213 इसमें जो 1275 पोस्ट आया, इसमें सर से बात की कि सर इस बात है क्या होगा नहीं होगा, तो ये पूरा मोटिवेट किए कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा हाई जंप थोड़ा प्रॉब्लम होता था। बट सर ने बोला कि नहीं हो जाएगा, पॉजिटिव रखो माइंड को। हम आए भी थे यहाँ पर, उसके बाद वहाँ गए, वहाँ से हमको यहाँ से कम दिखाई दिया और वहाँ पर मेरा सब कुछ क्लियर हो गया। और देखिए आज आपके सामने है, मेरिट बन गया, और इसमें सर का योगदान थोड़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेन होता है दरोगा में फिजिकल। मेरिट तो आप पीटी और मेंट तो हम लोग देते हैं, बट फिजिकल में क्या होता है कि शरीर ठीक ठाक रहा तो आप निकाल लीजिएगा, अगर दिक्कत हुआ तो प्रॉब्लम हो जाता है। बट शरीर ठीक ठाक रहा, सर अच्छा से एक्सरसाइज करवाए, जो कि मूवमेंट रहा हम लोग के शरीर में, और आसानी से निकाल लिया। क्या नाम है? मेरा नाम शशिकांत पासवान है। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर है कैमूर जिला में, पड़ता है चैनपुर थाना बडीहा गाँव। वहीं ट्रेनिंग टीचर ने शुभकामनाएं दी और कहा कि कैमूर के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नौकरी मिले, अच्छी रैंक पर जाए। माला से सम्मानित किया गया है मेडल पहना करके बच्चों के लिए, किस लिए सम्मानित किया गया है बच्चों को? जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार, फोर्स एकेडमी फिजिकल, मोहनिया एमपी कॉलेज। ये दरोगा बैच 1275 अभी सिलेक्ट हुए है फाइनल, जिसमें फिजिकल 16 लोग 18 में पास हुए थे, इनका मेरिट 5 लोगों का बना हुआ है। कहाँ के बच्चे हैं सब? यहाँ सब कैमूर के बच्चे हैं, यहीं पे फिजिकल ट्रेनिंग, यहीं एमपी कॉलेज पे ही हम चलाते हैं फोर्स एकेडमी फिजिकल। हर साल बच्चे सिलेक्शन होते हैं, कितने भी 5 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ। कितने बच्चे और बच्चियों को हुआ सिलेक्शन? इस बार 2 लड़की और 3 लड़के हैं। लोगों को सम्मानित किया गया जी, आज फूलमाला के साथ सम्मानित किया गया। और आगे क्या इन लोगों के लिए शुभकामनाएं देंगे? तो यही है कि आगे ये लोग अपना अच्छा रैंक पे जाएं, ताकि हम लोग का नाम रोशन हो इस ज़िले का। हमारा यहीं पर हर साल फर्क रहता है कि कैमूर के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन नौकरी का। किस लिए सम्मानित किया गया है आपको? मेरा सिलेक्शन 1275 दरोगा में हुआ है। अच्छा। और मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था, पहले 2446 वाले में मेरे को हाइट में छाट दिया था, और 2213 वाले में मैं मेरिट में छट गई थी, और इस बार सिलेक्शन हुआ। और इसमें सर का बहुत योगदान है, क्योंकि मैं तीनों बार में आपको फिजिकल क्वालिफाई की हूँ। और इस एकेडमी का सबसे बड़ा खासियत ये है कि जितना हम लोग मेहनत करते हैं, सर उससे ज़्यादा हमसे मेहनत करवाते हैं, और करते भी हैं साथ में। दौड़ना, हाई जंप करवाना, लॉन्ग जंप करवाना बहुत अच्छे से कराते हैं। और आने वाले जो दरोगा कैंडिडेट हैं, हम यही कहेंगे कि इस एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें और सफलता के लिए। क्या नाम हुआ आपका? आरती कुमारी है, और मैं मोहनिया के रहने वाली। शशिकांत पासवान ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, अपने पिता के सपनों को आज साकार कर पाया हूँ। रेलवे की नौकरी भी अच्छी थी, पैसा था, पद था, लेकिन पिता का अधूरा सपना परेशान करता था, इसी वजह से इस मुकाम को हासिल किया हूँ। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।